बीते 4 सालों में क्या कुछ किया उसके परिणाम अब सरकार को भुगतने पड़ रहे हैं। बीते 4 सालों में अगर आपने कर्मचारियों को परेशान किया, छात्रों को परेशान किया, तैयारी करने वाले युवाओं को परेशान किया, तो वो अब धरने करेंगे, वो हाईकोर्ट जाएंगे, वो प्रदर्शन करेंगे और आपको झेलना पड़ेगा जब 4 साल तक अगर आपने कुछ नहीं किया। और अगर कुछ लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं तो उन्हें आप डरा धमका कर चुप नहीं करा सकते हैं। बातें बहुत कुछ करने को है, मैं कोई बुलेटिन लेके नहीं आया हूं, मैं कोई, क्योंकि पहाड़ की बात हम करते हैं, हम कोई पत्रकार नहीं, हम खुद को पत्रकार भी नहीं समझते हैं। क्योंकि अगर हम पत्रकार कहेंगे, भले हमने पत्रकारिता की है, अगर हम पत्रकार कहेंगे तो सरकार के पास कई हथकंडे हैं पत्रकारिता में, जो आवाज उठा रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर अब पत्रकारिता कर रहे हैं या वेबसाइट के जरिए कर रहे हैं। क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर कई स्थानीय पत्रकार ऐसे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो अपने आप को बड़ा पत्रकार नहीं मानते हैं, स्थानीय जो है मुद्दों को उठाते हैं, भले अच्छे से उठा रहे हैं, लेकिन चंद पत्रकार खुद को पत्रकारिता के जो है जनक मानते हैं और वो ऐसे पत्रकारों के बारे में जो है गलतियों को उठाते हैं, उनकी उन्हीं पर उनकी नजर रहती है। अच्छा लगा हमारे पे भी किसी जो है महाज्ञानी पत्रकार ने नजर रखी और जो कुछ गलती हमसे हुई उसको आपने बताया और हमने सुधारा, आगे भी ध्यान रखेंगे। खैर, मुद्दे पर आते हैं, सरकार पर मैं बात कर रहा था और मैं उन वरिष्ठ पत्रकारों की तरह सरकार के साथ ऐसा तालमेल नहीं बिठाऊंगा कि अपना काम चलता रहे, खबरें भी चलते रहे। नहीं, हम पत्रकार नहीं है, आप पत्रकारिता के मुद्दे पर हमें कुछ बोलिए चाहे ना बोलिए, हम नागरिक हैं हिमाचल प्रदेश के और सोशल मीडिया के जरिए हम अपनी आवाज को उठा रहे हैं, खुश हम कोई पत्रकार नहीं है। खैर, मुद्दे पर आते हैं। सिरमौर जिला के एक अध्यापक जिन्होंने नारेबाजी की, जो यह मामा मानदा नहीं, कर्मचारियों ऋण सुनदा नहीं, ये तमाम चीजें नारे लगाए। मैं भी सिरमौर से आता हूँ, सिरमौर के ही वो कर्मचारी हैं। हमारी गोली में आप अक्सर देखते होंगे, जब हम आपके कोई मित्र सिरमौर से हैं, खासकर आंज बोझ गिरीपार हाटी से जुड़े हुए लोग, हमारे जो क्षेत्र में सूरत सिंह को सुरतू कह दिया जाता है, गुलाब सिंह को गुलाबू कह दिया जाता है, कान सिंह को कानिया कहा दिया जाता है, गुमान सिंह को गुमानू कह दिया जाता है, इस तरीके के जीत सिंह को जीतू कह दिया जाता है, जयराम को जोया कह दिया, तो इसमें आपत्ति कहां है? तो उनको जोया कह दिया, जोया मामा मानदा नहीं, आजकल तो कैसे कैसे मीम्स बनते हैं, लेकिन फिर भी कहा उन्होंने साधारण शब्दों में, कोई दिक्कत नहीं, मैं सिरमौर कहता हूं, मैं तमाम शब्द वो समझता हूं, हमारी बोली में कहते हैं। खैर, हम पे आप यकीन नहीं करेंगे तो बाकी लोगों से भी पूछिएगा। आपने उन्होंने नारा लगाया, आज उनका तबादला हो गया, शिमला भेज दिया गया उन्हें, दो और अध्यापक हैं शायद उन्हीं में से होंगे, उन्हें भी भेज दिया गया है। चलिए, माना रूटीन ट्रांसफर है, रूटीन तबादला है, ठीक है, क्योंकि कई मुद्दे हो सकते हैं। खैर, आज आपने बयान दिया, सीएम जयराम ठाकुर ने बयान दिया, कहा कि अगर आपको पेंशन चाहिए, उन्होंने किस शब्दों में कहा, उन्होंने ये कहा कि अगर ये बात आप कहते हैं कि विधायकों की पेंशन भी बंद कर दी जाए, अगर हमें पेंशन नहीं दे सकते, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये उचित नहीं है। किस बात पर उचित नहीं है?